फर्जी किसानों के हंगामे और तोड़फोड़ के बाद गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का दिया है निर्देश। दिल्ली में दंगाइयों के हंगामे के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। गृह मंत्रालय ने 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी को तैनात करने का दिया आदेश। दिल्ली में पुलिस और फर्जी किसानों के बीच झड़प में 109 पुलिसकर्मी घायल। कई की हालत गंभीर। सिविल लाइन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और LNJP अस्पताल में चल रहा है इलाज। उपद्रवियों राजधानी में उपद्रव पर दिल्ली पुलिस का एक बड़ा बयान। किसानों ने शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित रूट से हटकर समय से पहले ट्रैक्टर मार्च निकाला। दिल्ली में उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी पुलिस। सीसीटीवी और निगरानी कैमरे को खंगाल कर उपद्रवियों की होगी पहचान। उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में दिल्ली पुलिस। उत्पात मचाने वालों के खिलाफ 10 से ज्यादा केस दर्ज करेगी पुलिस। दिल्ली में फर्जी किसानों के उपद्रव में भारी नुकसान। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान का किया आकलन। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दंगाइयों ने पुलिस अधिकारियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। दिल्ली के ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार ने कहा, दंगाइयों पर होगी सख्त कार्रवाई। उपद्रवियों के हंगामे पर ITO पर दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी मार्च में रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस पर उग्र किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर किया कब्जा। अपने साथ लाए हुए झंडे को फहराया। गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। लाल किले के पास लगी पुलिस के टेंट पर दंगाइयों का हमला। दंगाइयों ने पुलिस चौकी की तोड़फोड़ भी की। एक पुलिसकर्मी बुरी तरह हुआ जख्मी। लाल किले पर पुलिस ने दंगाइयों पर किया लाठीचार्ज। पुलिस ने लाल किले को दंगाइयों के कब्जे से कराया खाली। लाल किले को खाली कराने के लिए भेजी गई अतिरिक्त पुलिस फोर्स। प्रशासन ने लाल किले के गेट को बंद करने का दिया आदेश। लाल किले पर कब्जे के लिए उपद्रवियों ने ट्रैक्टर के साथ अपने साथियों को बुलाया। 500 ट्रैक्टर के साथ लाल किला के बाहर उपद्रवी मौजूद। ITO पर किसान हंगामे की एक और खतरनाक तस्वीर आई सामने। फर्जी किसानों ने दो ट्रैक्टर पुलिस टीम के पीछे दौड़ाए। ITO पर फर्जी किसानों ने पुलिस टीम पर किया हमला। किसानों को रोक रही पुलिस पर उग्र किसानों ने हमला कर दिया। फर्जी किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई पुलिस। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाए डंडे। किसी तरह से भी भीड़ को काबू करने की हो रही है कोशिश। दिल्ली में ITO पर फर्जी किसानों ने बसों को बनाया निशाना। दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिया था उसका नहीं किया पालन। ITO पर किसान की मौत की असल वजह आई सामने। स्टंट करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान ट्रैक्टर पलटने पर हुई किसान नवनीत की मौत। दिल्ली के नांगलोई में भी पुलिस से भिड़े फर्जी किसान। पुलिस ने काबू में करने के लिए किया लाठीचार्ज। नजफगढ़ बॉर्डर से नांगलोई जाने वाले सभी रास्ते किए गए बंद। पुलिस ने सभी छोटे बड़े रास्ते किए सील। दिल्ली के ITO पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दंगाइयों ने पीटा। जान बचाकर भागे पुलिस वाले। टिकरी बॉर्डर पर उपद्रवी फर्जी किसानों की गुंडागर्दी। मीडिया कर्मियों के साथ भी हुई बदसलूकी। कैमरा तोड़ने की कोशिश की। मुकरबा चौक पर उग्र हुए रैली में शामिल आंदोलनकारी फर्जी किसान घोड़े से बैरिकेड्स को बांधा और खींचकर अपने साथ ले गए। करनाल बाईपास पर निहंग सिखों का हंगामा। भीड़ को काबू कर रही पुलिस से भिड़े घोड़े पर सवार आंदोलनकारी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा की गई बंद। प्रशासन ने रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को किया है बंद। फर्जी किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद बंद की ग्रे लाइन मेट्रो सेवा फिर से शुरू। द्वारका मोड़ से नजफगढ़ तक जाती है ग्रे लाइन मेट्रो। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म। किसानों का धरना खत्म होने के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर को खोला गया। हंगामे पर संयुक्त किसान मोर्चा का नया पैंतरा। बयान जारी कर कहा, मार्च में हुई घुसपैठ। मार्च में असामाजिक तत्वों के घुसने का किया दावा। दिल्ली में फर्जी किसानों के उपद्रव पर किसान नेता शिव कुमार कक्का ने सरकार से मांगी माफी। कहा, हिंसा से किसान संगठन का कोई लेना देना नहीं। लाल किले पर फर्जी किसानों के हंगामे के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने साधा निशाना। हंगामे को भारत को बदनाम करने की साजिश बताया। बीजेपी नेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फर्जी किसानों पर साधा निशाना। कहा, किसान के नाम पर देशवासियों से हमदर्दी लूट रहे फर्जी किसानों की पोल खुली। दिल्ली में फर्जी किसानों के उपद्रव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की निंदा। कैप्टन ने असली किसानों से दिल्ली को खाली कर धरना स्थल पर लौटाने की अपील की। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने फर्जी किसानों पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे, वो आज उग्रवादी साबित हो गए। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में फर्जी किसानों के हिंसा का किया समर्थन। कहा, किसानों से कोई सरकार नहीं जीत सकती। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में उपद्रव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कानून के छात्र ने CJI को चिट्ठी लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की। दिल्ली में हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली से सटे सभी जिलों में इंटरनेट और SMS सेवा बंद कर दी है। बुधवार शाम 5 बजे तक बंद रहेगी सेवाएं। दिल्ली में फर्जी किसानों के हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस भी सतर्क। BJP ने कहा, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर पुलिस बल प्रयोग करने से नहीं हटेगी पीछे। गणतंत्र दिवस परेड में दुनिया ने देखी भारत की सैन्य ताकत। पहली बार रफेल ने भरी उड़ान। राजपथ पर रफेल की गर्जना के बाद आसमान में एकलव्य और ब्रह्मास्त्र आकार बनाया रुद्र। हेलीकॉप्टर और ग्लोब मास्टर ने भी दिखाए करतब। परेड में सैन्य ताकत की आन बान शान आई नजर। T90 भीष्म टैंकों का दिखा दमखम। बांग्लादेश की सेना का दस्ता पहली बार परेड में हुआ शामिल। बांग्लादेश की आजादी की याद में 122 सदस्यीय टुकड़ी। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दिखी झांकियां। देश की सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक उन्नति की झलक।
गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भव्य राम मंदिर का मॉडल देखने को मिला। अयोध्या के दीपोत्सव का भी प्रदर्शन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की संध्या पर दी राष्ट्रपति भवन में टी पार्टी। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई लोग हुए शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति के रंग, वाघा बॉर्डर पर भारतीय सेना ने किया शौर्य का प्रदर्शन। 72वें गणतंत्र दिवस पर श्याम स्टील इंडस्ट्रीज ने तिरंगा बनाने के काम में जुटी महिलाओं को सलाम भेजा। श्याम स्टील का ये वीडियो संदेश आपको भी भावुक कर देगा। तिरंगा हर किसी के अंदर जोश भर देता है। जो तिरंगे को बेहद ईमानदारी और लगन से बनाता है, श्याम स्टील ने खास अंदाज में उनको सलाम किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी सेना को दी बड़ी सौगात। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में 1 करोड़ रुपए दान किया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रक्षा मंत्रालय के साथ शुरू किया है कर सलाम मुहिम, जो पिछले 3 साल से पूरी तरह से देश के वीर जवानों को समर्पित है।